सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो ऑफ पोकेमॉन स्टोन ड्रैगन। तो पिछले एपिसोड में हमने जीता था हमारा सेकंड बैच, तो अब हम जाएंगे इस सिटी से आगे। तो चलिए चलते हैं यार। तो हम रूट थ्री पे पहुंच चुके हैं। तो ठीक है, ये जगह पे गाइस काफ़ी सही पोकेमॉन लगते हैं। यहाँ पे मुझे बेल्डम, लार्वेस्ट्रा और ये भी, मैंने झोरुआ भी यही पकड़ा है, लेकिन मैंने बाकी के पोकेमॉन को नहीं रखा, मैंने सिर्फ झोरुआ को रखा है क्योंकि मुझे लेवल 50 का झोरुआ लगा था। काफ़ी सही यार, मैंने उसे रख लिया। अब उसकी लेवल 17 है फिलहाल क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यार। वो तो यहाँ पे एक लगा है जो कि झोरुआ। तो अगर आपको झोरुआ चाहिए तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं यार, वो भी लेवल 15 तक का लगता है। मैंने सबसे ज़्यादा लेवल वाला पकड़ा है, एक लेवल 10 वाला भी पकड़ा था मैंने, लेकिन बाद में मुझे लेवल 15 का मिला इसलिए मैंने उसे रिलीज़ कर दिया। नहीं शायद है मेरे पास अभी भी वो, तो जाना क्या यार। मैं देखता हूँ मेरे पास रेपल है गया यार, तो नहीं मेरे पास रेपल तो नहीं है, तो इसे ही जाना पड़ेगा। एक और ग्लाइगर भी है यहाँ पे, हाँ तो मैं इसे तो नहीं पकड़ने वाला, इसे बाद में पकड़ेंगे यार, फिलहाल मेरे पकड़ ठीक है। ओ यार यार कितने पोकेमॉन लगते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे। एक तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, वरना मैं रैपल भी ले लेता। तो नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो आगे ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक पानी में हॉर्स ही दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे एक चैलेंजर, पता नहीं यार इसने क्या कहा। इसके पास कितने पोकेमॉन, इसके पास 4 पोकेमॉन यार, इलेक्ट्रिक एंड चार्मेंडर। तो ठीक है, झरुआ एंड फ्रोगादियर। तो मैं वाटर पल्स कर दूंगा चार्मेंडर पे और परसिट कर दूंगा इलेक्ट्रिक पे। बस पैरालाइज मत हो जा प्लीज़ यार, पैरालाइज मत हो। तो ठीक है, आप देखते हैं इलेक्ट्रिक क्या करता है यार। इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है न्यूमल। अरे यार उसने थंडर पंच कर दिया झोरुआ पे, वो मैंने परस्यूट कर दिया है। तो वाटर पल्स पे मैं इस पे करूँगा और फ्यूरी स्वैप कर दूंगा इलेक्ट्रिक पे। तो के तो न्यूमल एक अटैक में वन शॉट हिट में चला गया। अब ये फिर से इलेक्ट्रिक बचा यार। और इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है टेड्यूअर्सा, वो भी लेवल 20 वाला टेड्यूअर्सा। ठीक है, तो कर दिया मैंने फ्यूरी स्वैप, ठीक ठाक है वैसे। ओके मैं फिर से फ्यूरी स्वैप कर दूंगा इस पे और वाटर पल्स टेड्यूअर्सा पे और फ्यूरी स्वैप्स इलेक्ट्रिक पे। तो उसने पोशन यूज़ कर दिया, तो कोई बात नहीं देखते यार। तो ओ यार इस पर कुछ भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, लेवल 20 का जो है यार। तो ठीक है, मैंने फिर से फ्यूरी स्वैप कर दिया है। तो अब देखते हैं, ओ यार ये इलेक्ट्रिक भी गया, तो अब इसका सिर्फ टेड्यूअर्सा बचा है। इसे मैं देखूंगा आराम से हारने की, तो दोनों अटैक इस पर करूँगा। तो फ्रोगाडियर के पास न्यू मूव है जो कि है स्मोक स्क्रीन। तो देखते यार, आई थिंक मैं बबल अटैक को फॉरगेट कर दूंगा, और मैंने इसे सिखा दिया है स्मोक स्क्रीन। तो आप देखते हैं यार, वो कंफ्यूज हो चुका है भाई, हर्ट हो जाए यार। नहीं हुआ यार लीक, और मेरे फ्रोगाडियर को उसने पैरालाइज कर दिया। तो मैं वाटर पल्स कर दूंगा और इसका मैं परस्यूट कर दूंगा, देखते यार। तो ठीक है, परस्यूट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, और उसने फ्यूरी स्वैप भी कर दिया। अब यार इससे हारूंगा तो मेरी, ओ यार इसने तो मेरे पोकेमॉन को लगभग हरा दिया यार। वो फिर से वाटर पल्स एंड फिर से परस्यूट कर देते हैं। परस्यूट तो ठीक ठाक है, वाटर पल्स ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। ये हर्ट हुआ यार फाइनली, मतलब हर्ट हुआ और हम जीत गए यार। ये मैच मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी, मुझे लगा मैं हार जाऊंगा यार। तो हमारा झोरुआ लेवल 18 में जा चुका है, इसके पास न्यू मूव तो नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं यार, अगर मैं हील करके वापस आता हूँ। 2000 years later सो मैं हील करके वापस आ चुका हूँ। तो चलिए अब जाते हैं, यहाँ पर लिखा है स्टॉप, यानी कि आगे जाना नहीं चाहिए, ऊपर जाने के लिए जगह तो नहीं है। इसका मतलब हमें इस अंडरग्राउंड रास्ते से ही जाना पड़ेगा, ये एक टनल है। तो यहाँ पे गाइस टीम रॉकेट, यार मैंने इस गेम में पहली बार टीम रॉकेट को देखा है, क्योंकि अब तक तो मेरा किसी भी ईवील आदमी से पाला तो नहीं पड़ा था, लेकिन पहली बार टीम रॉकेट की पहली बार एंट्री हो चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। उसके बाद से चिमचार, तो मैं वाटर पल्स कर दूंगा चिमचार पे और इस पे फ्यूरी स्वाइप्स कर देता हूँ स्टार अभिया पे। ओके तो ये गया चिमचार गया। ओके अब देखते हैं स्टार अभिया का क्या होता है। यार मिस्ड हो गया अटैक यार, उसने डबल टीम कर दी, ठीक थे ठीक ठाक है, मतलब कुछ ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं हुआ। तो फिर से फ्यूरी स्वाइप एंड वाटर पल्स, यार वाटर पल्स भी मिस हो गया और फ्यूरी स्वाइप भी, यार व्हाट द हेल मैन। और ये डबल, उसने डबल टीम कर दी, मतलब उसकी स्पीड और भी तेज़ हो चुकी है, मतलब अटैक से और भी मिस हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं यार। हमने हमारे फ्रोगाइडर की नज़र काफ़ी तेज़ है, उसने हरा दिया है स्टार अभिया को। अब आगे जाते हैं, एक और मेंबर प्री पर सोपा रहा था ये यार रॉकेट। इसके पास भी है 2 पोकेमॉन जो कि है टेड्यूअर्सा एंड सिंडाक्विल। तो सिंडाक्विल को हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन टेड्यूअर्सा परेशान कर सकता है यार मुझे, क्योंकि पिछली बार भी किया था, लेकिन ये लेवल 16 का है, देखते हैं कितना परेशान करता है ये हमें। यार मुझे पता नहीं यार झोरुआ झोर अर्क में कब इवॉल्व होता है, इसके लेवल क्या होती है यार, पता नहीं यार। मैं तो करने वालों की काफ़ी सही है, झोरुआ अर्क को मैंने किसी भी गेम में ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा है एनिमे में और मूवीज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है झोरुआ अर्क, तो इसलिए मैं इसे रखने वाला हूँ। तो काफ़ी मज़ा आएगा इसके साथ भी। तो मेरे पास होगा ग्रेनिंजा और मेरे पास होगा झोरुआ अर्क, और मुझे एक चार्मेंडर चाहिए आगे जाकर मिला तो ठीक है। तो एक और बंदा यार, कितने हैं यार इस टनल में यार, कितने बंदे हैं। और इसके पास स्टार अभिया, इस पर फिर से मैं वही कर दूंगा मेरा वाटर पल्स यार, लेकिन और 15 टाइम्स ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादा बंदे नहीं होने चाहिए यार, वरना मेरा ये मुंह ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ हर्ट हो जाए यार, ये हर्ट नहीं होता यार, सिर्फ मेरा पोकन हर्ट होता है जब वो कंफ्यूज होता है। मेरे ही पोकन पागल है जो खुद को मारते हैं, बाकी के तो नहीं मारते यार। तो अब देखते हैं 435 पॉइंट्स,
लेवल 21 में जा चुका है, तो नेक्स्ट है उसका हेलियोप्टाइल, तो जोरोआ को मैं भेज दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा यार। लेकिन पिछले बार जो मैंने पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा तो देख लीजिए, जब मेरी सेकंड जिम बैच की बैटल थी यार, इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के सामने मेरे फ्रोगाडियर ने इतनी अच्छी तकड़ी टक्कर दी यार, तीनों के तीनों मतलब नौ इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को हरा के मैं वो बैच जीता हूँ, वो भी मेरे फ्रोगाडियर पे, क्योंकि काफ़ी औसम था यार। इसका नेक्स्ट टाइम मैक भी, तो आप फ्रोगाडियर तेरी बारी है, तू ही जा। तो ये लास्ट पोकेमॉन इसका, इसके बाद पता नहीं और कितने बंदे होंगे यार, ये तीसरा वाला बंदा है, इसके बाद और 3 से 4 होंगे तो मुश्किल हो सकता है यार, सिर्फ एक चाहिए और तो हो जाएगा, और कोई लीडर भी होगा इनका जो इन्हें यहाँ पे लेके आया होगा। तो ये नंबर 4 है, ग्रंट नंबर 4, तो देखते हैं और इसके बाद कितने। तो इसके पास भी 4 पोकेमॉन है यार, ये कितने परेशान करेंगे यार, 4 पोकेमॉन सीरियसली। तो मैं पहले इसको मैच से हटाऊंगा क्योंकि ये परेशान कर सकता है मेरे फ्रोगाडियर को, तो देखते हैं। नहीं यार, तो इसका काम हो गया तो अच्छी बात है, मतलब जो मेरे लिए खतरा था वो चला गया। और ब्लिट्ज़ल, तो इस पर फ्यूरियस वाइप्स, पैरालाइज मत हो जा प्लीज़। ओके तो पैरालाइज नहीं हुआ तो ये अच्छी बात है। तो मैं फिर से वाटर पल्स कर दूंगा ब्लिट्ज़ल पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है यार, क्योंकि वो पता नहीं यार कब पैरालाइज कर देंगे और उससे यार काफ़ी गंदी हालत हो जाती है। तो मैंने मिस हुआ यार, तो कोई बात नहीं यार, फिर से कर देंगे वाटर पल्स कर देंगे मॉनफेनो पे और फिर सेप कर देंगे सिंडाक्विल पे। तो देखते हैं, तो मॉनफेनो तो गया 1 हिट में, तो अब देखते हैं इसको। तो सिंडाक्विल तुझे कितने अटैक चाहिए मरने के लिए? तो 1, 2, 3, 4, 5, वो यार काफ़ी सही यार, जोर हुआ औसम यार। तो अब मैं पाउंड कर दूंगा क्योंकि पाउंड से भी ये गायब हो जाएगा, मैं अच्छी मूव क्यों वेस्ट करूँ इसके लिए। तो जोर हुआ लेवल 20 में कब जाएगा यार? फ्रोगाडियर लेवल 22 में गया और जोर हुआ अब तक भी लेवल 20 में नहीं गया यार, देखते हैं। और तो ग्रंट नंबर 5 यार, ये लास्ट है, ग्रंट नंबर 5 इज लास्ट। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान किया यार, इसके पास 5 पोकेमॉन यार, क्या है, पहले के पास 2, 3, 4 और इसके पास 5। तो मैं कर दूंगा यार पाउंड, यार पाउंड ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया यार, मैं वाटर पल्स ही कर देता हूँ, 10 बार यूज़ कर सकता हूँ मैं अभी भी। तो ठीक है यार, देखते हैं। तो वर्लपिक से इसको भी मैं आराम से हरा दूंगा यार, लेकिन यार आइस टाइप वाला वर्लपिक से यार ज़्यादा इफेक्टिव, ठीक है वैसे ठीक ठाक है। तो पैरल मतलब हर्ट हो जा प्लीज़, तो हर्ट हुआ है और गायब भी हो गया। देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन, इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है सेंट्रेट। तो जरूर आप तू तेरी पावर दिखा दे इसको अब, तो जरूर लेवल 20 में चला जाएगा अगर ये मैच जीतता है तो परस्यूट कर देता हूँ मैं। तो ठीक ठाक है यार, ठीक है, तो फिर से परस्यूट कर देंगे हम। ओके एंड और एक परस्यूट जोरुआ। वो यार पोशन यूज़ करते यार, कितने पागल लोग हैं यार, मतलब सीधे से बैटल भी करने नहीं आती इनको। कोई बात नहीं, हम जीत चुके हैं, जोरुआ लगाया लेवल 20 में। तो देखते इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन है, ग्राउलित। ओके ग्राउली, तो अब वाटर पल्स कर देता है इस पर। ओके यार वाटर पल्स एंड जीत गए यार। तो आप देखते हैं इसके बाद इसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा यार, चार्मेलियन। ओके इसे भी मैं आराम से हरा दूंगा यार, फायर टाइप पोकेमॉन का मेरे सामने कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ बिकॉज ऑफ फायर पोकेमॉन, क्योंकि मेरा पोकेमॉन वाटर टाइप है यार, और अब तक के लिए मेरे काफ़ी ईजी था। देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं टनल के ऊपर आ गया रूट 4 पे, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है। हेलो, तो यार भाई यार पुलिस ऑफिसर नीचे जाके देख यार, नीचे उन टीम रॉकेट वाले ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। तो गाइस आज की वीडियो में था इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।